सात आने वाले लोग अंडरस्टैंडिंग पीपल होते हैं और स्पिरिचुअली बड़े पावरफुल होते हैं। सात आने वाले लोगों के साथ एक विशेषता ये भी है सात आने वालों की, केतु का नंबर होने की वजह से किसी का बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, टीजर का माइक ऑफ है। ये लोग अपने अपनी चीजों के प्रति जीवन में बड़े सिंसियर होते हैं और सिंसियरिटी के साथ जीवन जीते हैं, सिंसियरिटी के साथ काम करते हैं, सिंसियरिटी के साथ एक्टिविटीज करते हैं, धोखाबाजी नहीं करते। ये लोग ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, ट्रस्टफुल पीपल होते हैं, इन पर हम डिपेंडेबल होते हैं, हम डिपेंड कर सकते हैं साथ में। सात नंबर वाले लोग जो ना बहुत अच्छे कंपेनियन होते हैं, वेरी गुड कंपेनियन, रिसर्च एक्टिविटी गहराइयों में जाना मजा आता है, पर थोड़े से ना हटीले जिद्दी होते हैं अपनी चीजों के प्रति, जो इनको जिस गहराई में जाने की एक बार ठान लेते हैं ना, ये उस गहराई में जाना ही चाहते हैं। आप साथ दो या मुझे पर कल्चरल पीपल होते हैं, कल्चर लॉ को मानते हैं और ऐसे लोग ना इन्वेंटर्स की भी मिलते हैं, कंपोजर्स को मिलते हैं, अपने घर की अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जानते हैं। सात नंबर में थोड़ी सी विभिन्नता है, सात सोलह पच्चीस, सात वाले नंबर वाले स्टेबल होते हैं, सिंसियर होते हैं, दे आर वेरी रोमांटिक पीपल एंड दे लव लिविंग लाइफ, पर थोड़े से शाई होते हैं। सात नंबर, सोलह नंबर पे दो नंबर आते हैं, एक और छह, एक स्टर्न बॉर्न लीडर स्ट्रॉन्ग, छह चतुर चलाक ब्यूटी कॉम्बिनेशन वेरी डेंस। ये लोग अपने दोनों नंबर को लेके, एक और छह को नंबर को लेके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं इंट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अपने काम को साधने में भी बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये लोग शाम दान धन वेद का इस्तेमाल करके अपना काम निकालो, मेरा काम निकलना चाहिए व्हाटएवर इट मे टेक्स। एक और छह का काम यही है, एक है लीडर किसी से झुकेगा नहीं, छह है चलाक चतुर, साथ में साथ मिल गया इंट्यूशन, भाप लेते हैं कि काम निकलेगा कैसे, भापते हैं ही लोग। ये लोग टेस्ट करते हैं, पहले टेस्ट करेंगे कि सामने वाला कितनी गहराई में है, तब चुप लगाएंगे क्या वो ललित जी बड़ी हंसी आ रही है आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी किसी ने बोला कि मतलब थोड़ा था निकल आया। सोलह नंबर है क्या आपके पास कहीं पे? क्या सोलह नंबर कनेक्ट कर रहा है क्या कहीं से? नहीं, मेरे पास खुद के पास सात नंबर है ना। अच्छा तो क्या बोल रहा था ना? हाँ राइट, सोलह नंबर, but they are they, these people are leader respectable life, they love matters, they are interesting people, overall they are good people, achhe sab, very friendly, very lovable, but very very generous people। They are very ambitious. They want to achieve a lot of things in their life.
अनप्रिविलेज लोग जो होते हैं उनके प्रति इनका दयालु भाव बहुत होता है। दो नंबर है ना दयालु, पांच नंबर है ना इंटेलेक्चुअल, दो नंबर और पांच नंबर इनको कंट्रीब्यूट दे रहा है। दो नंबर दयालु का पांच सेंस सेंसिबिलिटी, सात इंट्यूशन, तीनों का कॉम्बिनेशन इनको एक जेनरस भाव देता है अंडर प्रिविलेज लोग। इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग लेकिन दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इंटेलिजेंट होते हैं दिमाग का बहुत इस्तेमाल नहीं करते, इन्हें बतानी पड़ेंगी चीजें, देन दे अंडरस्टैंड। हाँ कैचिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, दे आर वेरी स्ट्रांग ग्रेस्पिंग पावर। लेकिन दो और सात एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, दो नंबर ममता, सात नंबर साधना, ये दो नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बनाता है। ये दो नंबर मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन लाते हैं कि ममता, माँ की ममता, माँ के अंदर बाई डिफॉल्ट एक इंट्यूशन होती है प्रभु की दीवी। सात नंबर बाई डिफॉल्ट एक डिवाइन फोर्स नंबर है, दोनों मिल जाते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन लाते हैं। और दो नंबर चंद्रमा का नंबर है, सबकॉन्शियस माइंड है। सात नंबर इनर विजडम का नंबर है, पांच नंबर कॉन्शियस माइंड है। तीनों नंबर मिलके इंसान की सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और इनर विजडम का कनेक्ट एक इंसान के अंदर तत्व पैदा करता है जो इंट्यूटिव तत्व, इंट्यूटिव तत्व। ऐसे लोग बोलते नहीं, पहचानते बहुत। ऐसे लोगों की कही हुई बात पूरी हो जाती है, लग जाती है। ऐसे लोग जो बोलते हैं वैसा घटित हो जाता है, जब ये दिल से बात निकालते हैं तो वो घटित हो जाता है। ऐसे लोगों की बुराई से भी बचना चाहिए, ऐसे लोगों को दिल से हट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग सिर्फ दिल से कनेक्ट करते हैं, दिमाग से कनेक्ट नहीं करते। सबकॉन्शियस माइंड इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट करते हैं, कॉन्शियस उनका बाद में आता है, पांच नंबर उनका बाद में आता है। तो ये लोग सात नंबर, सत्ताईस नंबर सॉरी 25 नंबर वाले लोगों से बड़े ही समता के साथ, प्यार के साथ पेश आना चाहिए ताकि ये लोग आपसे हमेशा कनेक्ट हो। और इनमें पावर होती है, जिसको 25 नंबर वाला व्यक्ति सपोर्ट कर देता है वो व्यक्ति स्ट्रांग बन जाता है, वो व्यक्ति स्ट्रांग बन जाता है, उसको 25 नंबर वाला स्ट्रांग सपोर्ट कर देता है। ये 25 नंबर की विशेषता है। 25 नंबर मेल फीमेल के पॉइंट से सात नंबर शायद नहीं किया हमने, वो एक बार देख लेते हैं। मेल का पांच सात नंबर, दे आर इमोशनल, दे आर सेंसिटिव, दे आर केयरिंग, दे नीड देयर, दे नीड पार्टनर इन देयर लाइफ, मतलब उनको एक साथी की जरूरत हमेशा लाइफ में रहती है। और अपने साथी की प्रॉब्लम को, समस्याओं को अच्छे जल्दी से समझ जाते हैं। आउटिंग सिनेमा उनको मेल मेंबर को पसंद है, फीमेल मेंबर, फीमेल का साथ रहना, दे हैव अ ब्यूटीफुल आईज, छह नंबर की भी होती है, छह नंबर वाले ये मैं सोच रहा हूँ, छह नंबर की होती है, पर सात नंबर वाले दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आईज, दे आर अनप्रेडिक्टेबल बट दे आर सेंसिटिव। ये लोग मेहमान नवाजी में, होस्ट बनने में बहुत बढ़िया, दे आर वेरी गुड होस्ट, बट इनमें एक खौफ होता है अपने फ्यूचर को लेकर, एक फील होता है इनमें अपने फ्यूचर को लेकर, मतलब एक इस बात को ऐसे कह सकते हैं दे आर वेरी वरी अबाउट देयर फ्यूचर। यूजली सात नंबर की जो लेडीज है, वुमेन्स होती हैं, दे हैव जनरली गुड मैरिड लाइफ एंड एडजस्टिंग लाइफ, दे आर वेरी वेल, वेरी वेल एडजस्टेबल। बट थोड़ा सात नंबर वाले फीमेल जो होती है वो थोड़ा चलाक होती है, दे आर बिट क्लेवर। तो ये था सात नंबर के ट्रेट्स।
anybody would like to share? Yes, no, maybe you not be. Yes. Quick. काफी चीजें मैच करती हैं. समय तो बढ़ जुलाई में आता है. 13-7 है मेरे. 7 नंबर आपके पास आ रहा है जुलाई में, ये अच्छी बात है. बट सारे ट्रेड 7 नंबर के आएंगे नहीं आएंगे, कुछ आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर आते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ आते हैं बस, कुछ आएंगे 7 नंबर. सेकंड नंबर पे सारे मैच नहीं करेंगे, अभी हम कॉम्बिनेशंस पे आएंगे. जब हम करेंगे तो देयर आर सेट ऑफ 6 मेजर कॉम्बिनेशंस चैलेंजिंग के अंदर आएगा एंड दैट वर्क्स ब्यूटीफुल. उसके अंदर डेट मंथ मंथ ईयर ईयर डेट के कॉम्बिनेशंस बनेंगे. सर एक क्वेश्चन और था, बट वो ऐसे था कि जैसे 6 नंबर किसी के ना तो नेम्स में आता है ना डेट ऑफ बर्थ में आता है, अगर एक्टिवेट करना हो तो जो रेमेडी से वो एक्टिवेट करना चाहिए क्या उसको, अगर नहीं आता तो अगर फेवरेबल तो करना चाहिए. फेवरेबल कैसे बनेगा, ये लकी नंबर और फेवरेबल नंबर जो गूगल का आता है उससे नहीं बनता, बताएंगे. ठीक है, लकी नंबर गूगल से जो बताता है उससे फेवरेबल राइट फेवरेबल नहीं आता, वो भी करेंगे. और 7 नंबर किसके पास है? सिस्टर का है सर. जी आपकी सिस्टर कैसी है? सर मैच नहीं कर रहा सर वो तो. क्या हुआ, क्या चीज है, उनके डेट क्या है? 16 नंबर सर. 16 नंबर, 16 नंबर की पर्सनालिटी मैच नहीं हो रही उनकी. जी जी क्या है उनकी पर्सनालिटी, क्या मैच हो रहा है, क्या इम्परफेक्ट है उसमें साथ में? वो बीच बीच में ना हट जाती है, मेंटली स्ट्रॉन्ग जैसे आपने कहा ना, वो टूट जाती है, उससे हट जाती है अपने लक्ष्य से वो. राइट, उसको बोलो मेडिटेशन शुरू कर दो. जी रेमेडी में तो पूछ रहा था किसका क्या काम करना चाहिए, आपको वो बता दिया. उनको बोलो स्टार्ट मेडिटेशन. 7 नंबर वालों की की ऑफ सक्सेस है मेडिटेशन, की ऑफ सक्सेस है, दे मस्ट डू मेडिटेशन, मस्ट डू मेडिटेशन. 7 नंबर अगर प्रवीण जी आपकी सिस्टर इस लेवल पे नहीं आ रही है, क्योंकि डेटा बर्थ एनालिसिस करेंगे जब हम पूरा और करेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो एक ही बात नंबर आ रहा है, उससे और पर चल जाएगा, लेकिन दे मस्ट डू मेडिटेशन. जी ठीक है. दूसरी बात, उनको बोले सादगी जीवन अपनाए, सादगी जीवन अपनाए और लोगों को या उनकी जो भी जिस हिसाब से जो भी एज है उनकी आशीर्वाद दो, प्रेस करें, फ्रेंडली लवेबल पर्सन की तरह आगे बढ़े, अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्प करें, उनकी जीवन की जो जो इश्यूज हैं, जो विकार है ना, वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे एंड अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे. 7 नंबर की कनेक्टिविटी आगे बढ़ेगी. और उनके हस्बैंड का क्या नंबर है वो और देख लेना, अगर हस्बैंड का नंबर क्या, उनके 2 नंबर है सर. 7 और 2 कंफर्टेबल, अच्छा है, ठीक है, चल जाएगा वो. ठीक है, तो उनको अपने आप में बोलो ये 2-3 चीजें मैंने बताई है, ये बोलो आगे और रेमेडी करेंगे तो बात करेंगे, बट ये उनको 2-3 चीजें आप मेरे लिए बोल सकते हैं. ठीक, मूविंग टू दी 8 नंबर. 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर आएगा इसका शनिदेव का. शनिदेव ईमान के पक्के, मेहनत कश, लिबोरियस, जस्टिस, डिलीजेंट, अपने चीजों पे टस से मस नहीं होना, लिबोरियस मतलब हार्ड वर्क के मामले में शनि जो है सबसे पहले आता है, फिर हार्ड वर्क, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में शनि सबसे पहले, लॉ एंड ऑर्डर.
मेटलिस्टिक चीजों में देखेंगे, मेटलिस्टिक कंफर्ट में देखेंगे तो ये पैसा बहुत देता है, लेकिन इंसान जनरली इस पैसे को ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाता। शनि शनि वालों को जीवन में पैसा बहुत मिलता है, पर इंजॉयमेंट ऑफ मनी, एक्चुअल में जो इंजॉयमेंट ऑफ मनी होती है उसको नहीं जी पाता, क्योंकि उनकी अपनी फितरत यही है मेहनत करते रहो। एक होता ना इसलिए मेहनत, एक होता है इस हॉर्स लाइक लेबर और एक डंकी लाइक लेबर, दो तरह की मेहनत होती है ना, तो दे आर लाइक डंकी लाइक लेबर, दे कीप डूइंग वर्क, दे कीप डूइंग वर्क, दे डोंट नो हाउ टू डू हॉर्स लाइक लेबर। एक कहावत है ना गधे और घोड़े के अंदर, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट हो जाता है। लेकिन शनि वाले लोगों को जीवन में, अगर शनि उनका काम कर रहा है, जीवन में पैसा बहुत होता है, और जिनका शनि काम ही नहीं कर रहा उनको जीवन में चोट बहुत मिलेगी और उनको तकलीफें बहुत मिलेंगी, उनको जीवन के हालातों से बहुत गुजरना पड़ेगा, जिनकी झूले की माफिक चढ़ती उतरती रहेगी और जीवन के अंदर कठिनाइयां समस्या पल पल पे आती रहेंगी, शारीरिक कष्ट बहुत होते हैं।